टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ड्रैगन ब्लड ओजिंग ट्री की। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारत में पहली बार ड्रैगन ट्री स्पीशीज देखी गई है। असम के वेस्ट कर्बी एंगलोंग जिले में यह ड्रैगन ट्री मिला है। ड्रैगन ट्री की इस प्रजाति का नाम है ड्रैकियाना कम्बोडियाना। अब देखते हैं ड्रैगन ट्री की कुछ खास बातें। ड्रैगन ट्री से गहरे लाल रंग का रेजिन निकलता है। यह रेजिन ड्रैगन ब्लड के तौर पर जाना जाता है। ड्रैकियाना जीनस की एस्परगेसियाई फैमिली से संबंधित भारत में 9 प्रजातियां मिलती हैं। ये प्रजातियां हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलती हैं। ड्रैकियाना कम्बोडियाना एकमात्र वास्तविक ड्रैगन ट्री स्पीशीज है। अब देखते हैं ड्रैगन ट्री के क्या उपयोग हैं। ड्रैकियाना कम्बोडियाना महत्वपूर्ण औषधीय पौधा होने के साथ साथ एक सजावटी पौधा भी है। ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल दवा, तेल, धूप और डाई के रूप में किया जाता है। इस पेड़ के अलग अलग हिस्सों से एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलते हैं। चीन में किए जाने वाले पारंपरिक इलाजों के लिए ड्रैगन ब्लड सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं ड्रैगन ट्री को क्या खतरा है। ड्रैगन ब्लड की बढ़ती मांग के कारण इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। ड्रैकियाना कम्बोडियाना चीन के रेयर और इंडेंजर्ड पौधों की सूची में शामिल है। असम में इनकी संख्या 50 से भी कम है। आमतौर पर ड्रैकियाना के बीज पक्षियों द्वारा फैलाए जाते हैं। इसके बड़े फलों के आकार के कारण पक्षियों की केवल कुछ प्रजातियां ही इन फलों को निगलने में सक्षम होती हैं। इसके प्राकृतिक संरक्षण का दायरा सीमित है।